विधानसभा चुनावों को लेकर कल आखिरी चरण के लिए मतदान जो है वो 24 सीटों पर किया जाएगा और इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और जो पोलिंग स्टेशन पर जो मटेरियल यूज होगा उसको लेकर यहां पर सामान जो है वो यहां पर बांधा जा रहा है। तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है और जितने भी पोलिंग स्टेशनों में जो लोग काम करेंगे उनकी ड्यूटी को जो है वो यहाँ पर सेट किया जा रहा है। तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश जो है मैं यहाँ पर करूंगा और कल 1 तारीख को सुबह 7 बजे से लोग जो है वो मतदान कर सकेंगे और उसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और कल सुबह 6 बजे से जम्मू वासी जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़ कर कल वोटिंग में हिस्सा ले, मतदान करें। अब जम्मू की जो खास खास सीटें हैं उनका जिक्र जो है वो मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं उधमपुर वेस्ट की बात की जाए तो उधमपुर वेस्ट में उधमपुर ईस्ट, चनैनी, रामगढ़ जो कि रिजर्व सीट है, ऐसी बनी, बिलावर, बसोली, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, बिश्नाह, सुतियतगढ़, आरसपुरा, जम्मू साउथ, बाहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मढ़, अखनूर और छम, ये जम्मू की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कल मतदान किया जाएगा और कई दिग्गज नेताओं की किस्मत जो है वो कल ईवीएम में बंद हो जाएगी। सबसे मुख्य सीटों का जिक्र जो है वो मैं आपके साथ जरूर करूंगा। सबसे पहले मैं आऊंगा उधमपुर वेस्ट विधानसभा सीट पर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पवन गुप्ता जो है वो अपनी किस्मत वहां पर आजमा रहे हैं और कल उधमपुर में भी जो है वो कल मतदान किया जाएगा। उधमपुर ईस्ट सबसे महत्वपूर्ण सीट है। अगर उधमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो उधमपुर ईस्ट सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जा रही है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही 2 कार्यकर्ता जो है वो आमने सामने। हालांकि अगर पवन खजूरिया की बात की जाए तो उनको ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पवन खजूरिया को टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से उधमपुर ईस्ट से आर एस पठानिया जो है वो भाजपा के उम्मीदवार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पवन खजूरिया चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू ईस्ट में भी कल जो है वो लोग मतदान करेंगे। चनैनी में 2 भाई जो है वो आपस में भिड़ेंगे, बलवंत सिंह मनकोटिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और दूसरी तरफ हर्षदेव सिंह जो कि पैंथर्स पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों की टक्कर जो है वो चनैनी लोकसभा सीट में जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करूंगा मैं सुचेतगढ़ भी एक महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन इस बार इसे रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए और ये भी एक महत्वपूर्ण सीट है। अब सबसे महत्वपूर्ण अगर जम्मू की सीट मानी जाए तो आरसपुरा जम्मू साउथ सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा की ये सीट है। यहाँ पर रमन बल्ला जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कांग्रेस ने रमन बल्ला को आरसपुरा जम्मू साउथ से जो है वो टिकट दी है और उनके ऑपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं नरेंद्र सिंह रैना, उनकी टक्कर जो है वो रमन बल्ला के साथ देखने को मिल रही है। हालांकि रमन बल्ला एक दिग्गज नेता है कांग्रेस के और वो अपनी किस्मत जो है वो आरसपुरा जम्मू साउथ से कर रहे हैं। बाहू विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी कड़ी टक्कर विक्रम सिंह रंधावा और तरनजीत सिंह टोनी के बीच देखने को मिल रही है और पूरे जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू संभाग में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ऐसी 2 राजनीतिक पार्टी हैं जिनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जम्मू ईस्ट की बात की जाए तो जम्मू ईस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और जम्मू ईस्ट से युधवीर सिंह सेठी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो योगेश सानी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। जिसके बाद नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो देवेंद्र सिंह राणा जो हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है और उनकी बात की जाए अगर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। देवेंद्र सिंह राणा एक दिग्गज नेता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब वो थे तब भी उन्होंने नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से एक तरफा जीत हासिल कर रखी थी और अब क्या यही लगाए जा रहे हैं कि नगरोटा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत हासिल करेगी। इसके बाद जम्मू वेस्ट की बात की जाए तो अरविंद गुप्ता और ठाकुर मनमोहन सिंह के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अरविंद गुप्ता जो है वो नया चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ठाकुर मनमोहन सिंह की बात की जाए तो पिछले 30 सालों से जनता के बीच रहते हैं और
30 सालों से कांग्रेस में वैसे कार्यकर्ता काम कर रहे सीनियर नेता है, उन्हें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो है वो उन्हें कमान सौंपी गई है। अब जम्मू वेस्ट से ठाकुर मनमोहन सिंह और अरविंद गुप्ता के बीच टक्कर जो है वो देखने को मिल गई। जम्मू नॉर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिल गई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार है अजय सड़ोत्रा, उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन है, क्योंकि इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं श्यामलाल शर्मा, उनके बीच कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। छांबा विधानसभा क्षेत्र भी काफी ज्यादा अहम विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी सतीश शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश शर्मा और वहां अपने ही नेता के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। ताराचंद जो कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, इनके और सतीश शर्मा के बीच कड़ी टक्कर जो है वो छंब इलाके में देखी जा सकती है। अखनूर विधानसभा क्षेत्र में भी मोहनलाल भगत जो कि वॉलेंट्री रिटायर हुए हैं SSP के पद से, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो है वो अखनूर विधानसभा क्षेत्र में बनाया, क्योंकि अखनूर इस समय रिजर्व हो चुकी है, ST रिजर्व है, इसलिए मोहनलाल भगत को वहां पर मौका दिया गया है चुनाव लड़ने का। तो मेरे पीछे आप तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चुनावी तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और कल सुबह से ही जनता जो है वो मतदान करेगी और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कल चुनावी कल त्योहार इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि कल छुट्टी की घोषणा भी की गई है, तो लोग बढ़ चढ़कर इस चुनावी त्योहार में हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट करें, अपने परिवार के साथ पोलिंग स्टेशनों में पहुंचे, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को और भी जो आपके जान पहचान के लोग हैं उन्हें साथ लेकर वोट जरूर डालें, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है, वोट हमारी ताकत है, हमारा जो कीमती वोट है वो देश का नेता चुनेगा, जम्मू कश्मीर का नेता चुनेगा। तो मेरी भी आप सबसे गुजारिश है कि कल जितना हो सके उतनी जल्दी आप पोलिंग स्टेशनों पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपना वोट कास्ट करें। नमस्कार।